स्टार्ट किया असेंबली लिख के ओके किया, फिर असेंबली में आ रहे हैं यहाँ पे ब्राउज करके अपना पार्ट का इम्पोर्ट किया, किस पार्ट को करना था बटरफ्लाई के अंदर जितने भी पार्ट्स हमारे सारे वो सिलेक्ट करना था, ओपन किया। सबसे पहला पार्ट आ हमारा टैब की से हम इसको रोटेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी रोटेशन दे सकते हैं। सारे पार्ट आ गए। अब सबसे पहला पार्ट हमने कौन सा इंसर्ट किया था, आर्म था हमारा, तो आर्म पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, उसमें मूवमेंट नहीं किया जा सकता। बाकी पार्ट लेकिन जो है बाकी जितने पार्ट हैं हो सकते हैं लोकेट भी हो सकते हैं, फर्स्ट पार्ट फिक्स हो गया। अब हमें फिक्स उसको नहीं करना है, हमें एक्चुअली हम ये चाहते हैं पहले जो हम जिस पार्ट को चाहे उसको फिक्स कर लें ताकि इसमें मूवमेंट ना हो। हमने क्या किया, बॉडी को फिक्स करना चाह रहे हैं, जैसे हमने इसको राइट क्लिक किया फिक्स कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट और ये पार्ट दोनों दोनों फिक्स हो गए। अब हमें इसको क्या करना है, फ्लोट करना है, जैसे कि इसमें क्योंकि मूवमेंट होना चाहिए तो इसको फ्लोट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक किया, फ्लोट कर लिया, ना ये फ्लोट कर सकता है लेकिन ये वो फिक्स हो गया। अब इसके अंदर हमें मेट पार्ट अलग अलग आ रहे हैं, हर एक पार्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडिफाइंड है, अभी हमें हर एक पार्ट्स को डिफाइन करना है। तो हमें पार्ट्स को डिफाइन करना है, जैसे हम ज्योमेट्रिकल मेट देते थे कोइन साइड दो सर्कलों का कंसेंट्रिक, वही सेम टाइप की रिलेशन देनी है उनको असेंबली में, हम कहते हैं मेट्स। जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन थी सेम उसी तरीके से अब मेट्स पे क्लिक किया। मेट्स करने का अलग अलग मेथड है, देखो एक तरीका क्या है, हम मेट पे पहले क्लिक करें यहाँ से हम बता सकते हैं किस टाइप का मेट देना है। तो जैसे हमें कंसेंट्रिक देना है तो कंसेंट्रिक किस किस में, जैसे शाफ्ट है तो शाफ्ट इस होल के अंदर जाएगी, तो शाफ्ट का सर्कुलर डाया इसके सर्कुलर डाया की एक्सेस दोनों की सेम रहेगी, तो हमने यहाँ से किया कंसेंट्रिक मेट। किस चीज़ के ऊपर, फेस के ऊपर सर्कुलर, इसके सर्कुलर फेस को इसके सर्कुलर फेस को, देखो क्या वो अपने आप सेट होगी कंसेंट्रिक। अब ये अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या, इसकी एक डिग्री ऑफ ये रोटेट कर रही है अभी और ट्रांसलेट कर रही है, बट इसकी जो थी ऐसे घूमना और ऐसे घूमना वो दोनों लॉक हो गए, दो रोटरी का मूव। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पड़ा होगा दो ट्रांसलेटरी रोटेटरी रोटरी और अपसाइड डाउन। देखो तीन एक्सेस होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सेस के बाद मूव कर सकता है, वाई एक्सेस के बाद मूव कर सकता है, जेड एक्सेस के बाद मूव कर सकता है, तो ये तीन हो गए तीन ट्रांसलेटरी। एक्स एक्सेस के बाद रोटेट कर सकता है, वाई एक्सेस के बाद रोटेट कर सकता है, जेड एक्सेस के बाद रोटेट कर सकता है, तो वाई और एक्स वाई और जेड के भी क्या हो गए तीन रोटरी है, रोटरी मोशन। तो छह टाइप की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तीन ट्रांसलेटरी तीन रोटरी। अब अभी देखो इसमें क्या है, ये जेड एक्सेस के बाद मूव हो रहा है इधर, देखो ये कौन सा एक्सेस के बाद मूव हो रहा है, वाई के बाद। अगर मैं जेड के बाद मूव करूँ इसको हो रहा है, अगर इसको मूव करूँ वाई के बाद हो रहा है, ये तो हो रहा है ना, एक्स भी होगा अप डाउन, वाई के अबाउट भी होगा और जेड के अबाउट भी होगा, लेकिन इसमें जब हमने इसको कंसेंट्रिक कर दिया तो उनकी एक्सेस सेम हो गई, तो ये शाफ्ट इधर नहीं जा सकती ना इधर जा सकती ना ऊपर जा सकती ना नीचे जा सकती, इसी एक्सेस के अबाउट लाइन कट रही है, तो वही वो ट्रांसलेटरी उसमें क्या हुई, दो डिग्री दो ट्रांसलेटरी डिग्री फ्रीडम जो थी वो लॉक हो गई, और दो ट्रांसलेटरी लॉक हुई तो उसके साथ साथ उसके ट्रांसलेटरी रोटरी भी लॉक हो गई। अब इसमें एक ट्रांसलेटरी रह गया एक रोटरी रह गया, अब रोटरी तो हमें इसमें रखना है क्योंकि इसमें मोशन करवाना है, बट
मैं गलती कर रही थी। ये जो दो सर्किल बनाए उनको एक साथ एक्सक्लूड कर दिया अपने नेक्स्ट। कौन से दो? ये दो पार्ट बनाए थे, उससे क्या हुआ अंदर वाला सर्फेस जो था वो कर्वेचर में आया। अब ये जो पार्ट है ये जाएगा, इससे जब अटैचमेंट होगा तो क्या होगा, कर्वेचर है ये फ्लैट है, प्रॉपर टच तो कर नहीं पाएगा, कोलिजन होगा यहाँ पर, ये इनप्रॉपर रहेगा। तो जो हमारा बटरफ्लाई बॉल था उसमें उसमें जो अंदर का पार्ट था वो कट हुआ हुआ था, तो वो बिल्कुल फ्लैट था, हमारा सेक्शन व्यू में दिखा रखा था, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा था। अब हमें यहाँ पे चेंजेस करने, तो उसके लिए हमने क्या किया, पार्ट ओपन किया था। पार्ट में चेंजेस को सेव किया तो असेंबली में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मेट करने का एक मेथड समझ आया, मेट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पहले मेट सेलेक्ट करने के बाद मेट बताया कौन से मेट देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सेकंड मेथड क्या है, मेट पे क्लिक किया, कंस्ट्रेंट नहीं देता हमने, सिलेक्शन नहीं किया हमने, क्या किया, दो सरफेस दो फ्लैट फेसेस हैं, इन दोनों फेस को आप चाहते हैं टच हो जाए, यानी कि एक फ्लैट फेस है ये, जैसे माउस ये टेबल के ऊपर रखा तो टेबल का टॉप फेस और माउस का बॉटम फेस क्या हो गया आपस में टच हो रहा है, को इनसाइड हो रहा है, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे को इनसाइड या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या डायरेक्ट फेस सेलेक्ट किया। अगर फेस फ्लैट है, एक फ्लैट फेस को दूसरे फ्लैट फेस के साथ को इनसाइड लगाएगा, एक कर्वेचर फेस है सर्कुलर उसको दूसरे सर्कुलर फेस के साथ क्या लगाएगा, वन साइड लगाएगा। इसके फ्लैट फेस को इसके फ्लैट फेस पे क्लिक कर दिया, देखो क्या हो गया, टच हो गया एकदम। यहाँ पे देखो कौन सा एक्टिव हो रहा है, कौन सा पैरेलल वाला परपेंडिकुलर एक्टिव नहीं हो रहा है, कौन सा एक्टिव, तीनों हो सकते हैं, दो फेस है भाई, दो फेस आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं, कोइंसाइड भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, जो पॉसिबल रिलेशन थी वो इसी थी, बट जो सी जो सी मैक्सिमम फिजिबिलिटी है वो किसकी है, कौन सा है, तो कौन सा है कर दो यहाँ से। अब इसके बाद इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके सर्कुलर फेस को इसके सर्कुलर देखो अपने आप ही उसमें कॉन्सेंट्रिक। हाँ सर, अब इसके फेस के ऊपर बोल में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, बल का डाया बड़ा है। अच्छा अब इसके ऊपर क्या लगेगा, अब पहले आम ये वाली आम इसके ऊपर लगेगी, फिर इसके फेस के ऊपर ये वाला फेस जाके टच कर जाएगा, साइज में फर्क होगा तो वो लगेगा ही नहीं जाके। हाँ एरर आ जाएगा पार्ट में, तो हमें देखो पार्ट में जब हम बनाए थे तो हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें देखो हल्के हल्के से इफेक्ट भी पता चल रहा है, ये वाला नहीं हो रहा था स्क्रू। इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मेट को चेंज करते हैं, लास्ट वाला मेट देता हूँ, ये वाला फेस अपोजिट कर दिया। अब देखो आ गए, हमने उन दोनों फेस को कॉन्सेप्ट दिया, अब हो गए
क्या करना है, ये प्लेट लगानी है इसके साथ से, पार्ट को हाइड करना है हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक किया उसको, मूव हो रही है तो रिटेनर की प्लेट भी मूव हो रही है, शाफ्ट के ऊपर अटैच है, शाफ्ट अगर रोटेट हो रही है तो रिटेनर को क्या रोटेट अपने आप ही होना पड़ेगा। बाकी वो उसमें हमें क्या करना है, इसका पैटर्न क्रिएट करना है, तो हम जैसे असेंबली होते हैं नीचे, हाँ यहाँ पर है लीनियर कंपोनेंट सर्कुलर पैटर्न, पैरामीटर हमने सर्कल सेलेक्ट किया, साइज ज़्यादा बड़ा हो रखा है, पार्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट किसके साथ कोलाइड कर रहा है, ऐसे देखने में ऐसे में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ जाते हैं इवेल्यूएट में, इवेल्यूएट में जाके आता है इंटरफेरेंस डिटेक्शन, कहीं दो पार्ट आपस में कोलाइड तो नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए इंटरफेरेंस डिटेक्शन पर क्लिक किया, इसके इसी असेंबली में कैलकुलेट करनी है, सेलेक्ट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, अब देखो क्या दिखा रहा है, पहला इंटरफेरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भाई, ये जो स्क्रू था इसका साइज इतना बड़ा है कि होल से क्रॉस करके स्क्रू अगर बड़ा होगा तो होल के अंदर शाफ्ट का डाया छोटा है तो स्क्रू शाफ्ट के अंदर नहीं जा पाएगा, यहाँ चला गया था वो, लेकिन चेकिंग करने के लिए हमने अलग से दिखाना पड़ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा साइज का बड़ा तो नहीं, एक कहाँ कहाँ दिख हो रही है ये चीज़ दिखा रहा है, ओके। इसके बाद माइनस ही इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, अच्छा हमने चलो फिर से अटैच हो गया, और फिर कहा देखो ये इनका साइज कितना बड़ा हो रहा है, इनमें भी इंटरसेक्शन हो रहा है, नट की कैप जो है वो हाँ ठीक है, नट और बोल्ट में मेन दिक्कत है, हाँ ठीक है, दोबारा अभी भी इसमें अंदर तो इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रू को सही करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से क्या किया,
14 नहीं है देखो, नियर 14 ये 20.3 का हाफ होना चाहिए, ये कैप तो भी बड़ी है बाल सेंटर में रिडक्शन वो भी हमने मूव कर लिया पीछे, देखो हल्का सा क्या देख रहा है क्लियरेंस चेक करना हो हम क्लियरेंस चेक कर देते हैं जैसे हमने क्या किया लेंस चेक करने के लिए पहले हम लेंस सेक्शन पे कहां लेंस चेक करना है गैप स्क्रू कंप्लीट नहीं है गैप दिखा रहा है कितना 0.08 का गैप है क्लियरेंस गैप सेक्शन अभी तो पूरा है ना तो ये जीरो होना चाहिए नहीं वो गैपिंग चेक करने के लिए अगर हमें चेक करना हो बाई चांस तो उसको चेक करने के लिए है ये स्क्रू है देख रहे हो ना इसके वजह से इसमें ये कुछ गैप होगा वो गैप के लेंस से चेक लेकिन एक्चुअल में मोशन कैसा होना चाहिए आर्म मूव कर रही है तो शार्प मूव करनी चाहिए और शार्प मूव करेगी तो रिटेनर मूव करना चाहिए ऐसा मोशन होना चाहिए एक्चुअल में लेकिन अभी नहीं हो रहा ऐसा है ना इस टाइप के मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आर्म को शार्प के साथ लॉकिंग देनी पड़ेगी जैसे की होती है हमारी की लगती है की पता ही क्या होती है एलएनजी तो ओपनिंग की होती है शाफ्ट में लगती है जैसे जनरेटर वगैरह में की लगती है, हाँ, है कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मोशन को लॉक करने के लिए की लगती है होल्स के थ्रू की हाँ वो बीच में लग जाती है तो दोनों लॉक करने के लिए हाँ हो सकता है मल्टीपल भी लगे बाइक वगैरह में सब में लगती होगी अब की तो हमने बनाई नहीं है लेकिन इसमें देखो ये कट है ये वाला कट ये की के लिए कट था इसमें ऐसे ही कट शाफ्ट में भी होता है तो बीच में हम की लगा देते लेकिन शाफ्ट में हमने की नहीं के लिए कट नहीं बनाया था वो गलती थी हमारी अब हमने की तो बनाई नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके प्लेन होंगे आर्म का एक प्लेन लेंगे और शाफ्ट का एक प्लेन लेंगे उनको लॉक कर देंगे उनको कोइंसाइड कर देंगे तो अब अगर कोइंसाइड हो गए एक प्लेन मूव हो एक पार्ट मूव होगा तो सब प्लेन मूव होगा प्लेन मूव होगा तो उसके रेस्पेक्टिव दूसरा प्लेन का वो मूव होगा तो शाफ्ट मूव करेगी सर की बनानी हो तो शाफ्ट में की काम बनेगी की का अलग से पार्ट बनेगा ना अच्छा उसके लिए की अलग से पार्ट बनेगा तो इलेक्ट्रिकल होती है स्लॉट टाइप की होती है
बना लेंगे या रेक्टेंगुलर होगी। सो हमने क्या किया, अच्छा इसमें बहुत सारे पार्ट देख रहे हैं, पहले तो बाकी जो पार्ट नहीं चाहिए उनको हाइड कर लो, राइट क्लिक किया, हाइड कम करें, आर्म और शाफ्ट रहेंगे, ठीक है। अब आर्म फिर ओपन किया, यहाँ से देखो सिर्फ प्लेन आ रहा है, या गया टॉप, या गया फ्रंट, या गया साइड, हमें तो फ्रंट से काम है, फ्रंट प्लेन जो आया है, इस प्लेन को फ्रंट को, ये क्या है शाफ्ट, शाफ्ट है इस प्लेन के साथ, अगर वो शाफ्ट होंगे अलग अलग प्लेन आएंगे, फ्रंट प्लेन ये है, टॉप प्लेन ये है, साइड प्लेन है, साइड प्लेन नहीं ले सकते हम क्योंकि एक प्लेन ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ऐसे होने चाहिए, ठीक। तो हम इसके भी फ्रंट प्लेन पर ले लेंगे, अब अगर आर्म रोटेट हो रही है तो शार्प रोटेट हो रही है, शार्प रोटेट हो रही है तो उसकी प्लेन भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। पार्ट हाइड हो गए थे उनको अंदर जा रहा है, यहाँ पर देखो पार्ट क्या हो रहा है, कोलाइड हो जा रहा है, बट ये तो मोशन को रोक ही नहीं रहा, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कोलाइड होकर रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं रुक रहा ना, ठीक है। अभी क्योंकि हम डायरेक्ट मोशन अगर मूव करते हैं पार्ट को तो सॉलिड को सॉलिड कंसीडर नहीं करता है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है रोटेट कंपोनेंट, अगर मूव करना होगा तो मूव कंपोनेंट, रोटेट करना होगा तो रोटेट कंपोनेंट, स्टॉप एट कॉलेज। बता रहा हूँ वैसे तो है, टिकट तो करवाई नहीं हमने, हाँ ट्रेन जा रहे हैं ताज एक्सप्रेस, साढ़े छः, हाँ 9 बजे आती है ट्रेन, चलिए ठीक है आई बात करता हूँ, जैसे मैं और ऊपर लेके जा रहा हूँ ब्लू आ गया, यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, स्टॉप हो गया और इवन आवाज़ भी करता है, बॉल क्योंकि कभी कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगी, कम्प्लीटली क्लोज होगी तो उसमें चोकिंग या वैक्यूम का ऑप्शन बन सकता है, तो वो हमेशा पार्शली ओपन रहता है, तो इसी ऐसा ऑब्जेक्ट सही समझ में जी। अब ये तो असेंबली बन गई, अब मैं देखा हुआ जैसे वीडियो वगैरह में कि पार्ट असेंबल हो रहा है, थोड़ा असेंबल हो रहा है, अगर पार्ट में आए तो मशीन में उसको अलग अलग पार्ट्स मिलकर बना मिला के बना रखा है, अब तुम उसको किसी और को सेंड कर रहे हो, जो सेंड कर रहे हो उनको तुम्हें ऐसे शो करना है कि वो अलग अलग उनको, हाँ मतलब वो उनको पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ असेंबल होना है कहाँ नहीं होना है, तो हम क्या चाहते हैं, हम वीडियो बनाने की पार्ट्स कहाँ कैसे अटैचमेंट हो रहा है उसकी वीडियो बनाएंगे, तो उसकी वीडियो बनाने के लिए हमें यहाँ पर देना पड़ता है एक्सप्लोजन व्यू, एक्सप्लोजन व्यू पे गए, दो टाइप के एक्सप्लोजन होते हैं, रेडियल एक होता है स्टेप बाई स्टेप,
स्टेप बाय स्टेप हम कंट्रोल कर सकते हैं रेडियन को एक साथ ही एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करके मैं से सिलेक्ट किया पार्ट को उसको एक्सप्लोर करना था अब सबसे पहले हमने क्या किया नट को सिलेक्ट किया आर्म को सिलेक्ट किया अलग इसमें कंट्रोलिंग हमारी है कैसे कैसे हाँ अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ स्प्रिंग बंद हो गया ठीक है हमने क्या किया पार्ट हाइड हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं कौन सा पार्ट हमें कहाँ है अब वापस से हमें इसे कोलैप्स करना यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता हमें कोलैप्सिंग के लिए जैसे ये क्या होता है स्पेसिफिकेशन ट्री होता है फीचर ये ट्री में जितने भी हमने पॉइंट दिए हैं वो सारे दिखाता है नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर प्रॉपर्टी मैनेजर प्रॉपर्टी करता है जैसे हम एक्सट्रूजन देते हैं तो एक्सट्रूजन कितना हो रहा है वो सारा प्रॉपर्टीज में आती है हाँ वो सारी प्रॉपर्टीज आती है थर्ड आता है तब फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन बताता है पार्ट अब यहाँ से इसका एक्सपेंड किया यहाँ पे आ रहा है हमारा एक्सप्लोजन में और ये इसके नीचे वही स्टेप्स आ रहे हैं जितने अब एक्सप्लोजन भी आ रहा है यहाँ पे कर किस में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में यहाँ पे राइट क्लिक किया कोलैप्स पे क्लिक कर दिया कोलैप्स हो गया राइट क्लिक किया एक्सप्लोर पे क्लिक कर दिया एक्सप्लोर हो गया राइट क्लिक किया एनिमेट कोलैप्स पे कर दिया सेव करना है तो यहाँ से अगर हमें किसी प्लेन को ऑफसेट करना है प्लेन को पहले सिलेक्ट